ये जो निर्देशांक ज्यामिति है क्लास टेंथ में ना बिल्कुल नया है, इसके पहले नाइन्थ में थोड़ा बहुत मिला। अगर नाइन्थ का पढ़े हो तब तो यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़े हो फिर भी समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे शुरुआत से पढ़ो। तो निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है कि ये, अच्छा इंग्लिश में क्या है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंग्लिश में क्या है इसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, देखो इस अगर एक तरीके से देखा जाए तो निर्देशांक ज्यामिति को ना अक्षों का मैथ कहते हैं, क्योंकि जितनी भी इसमें जितने भी सवाल है या जो भी इसमें फार्मूला वो सब किस पे आधारित है, अक्ष पे। और इस मैथ को पढ़ने के लिए हमें दो अक्षों को जानने की आवश्यकता होती है। पहला अक्ष है यक्स, यक्स डैश, वाई, वाई डैश। कौन सा अक्ष है, एक यक्स यक्स डैश होता है, एक वाई वाई डैश होता है। और ये दोनों अक्ष जहां एक दूसरे को काटते हैं उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं जी, मूल बिंदु। हो गया। अब होता क्या है कि अगर मूल बिंदु के, इसका कुछ रूल है, मूल बिंदु के दाहिने तरफ चलने पर, मूल बिंदु के दाहिने तरफ चलने पर सभी मान कैसे मिलते हैं हमको, धनात्मक मिलते हैं। मूल बिंदु के बाएं चलने पर सभी मान कैसे मिलते हैं, ऋणात्मक मिलते हैं। मूल बिंदु के ऊपर चलने पर धनात्मक, और मूल बिंदु के नीचे आने पर सभी मान कैसे मिलते हैं जी आपको, ऋणात्मक मिलते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो अक्ष है ये बोर्ड को कितने भागों में बांटा, चार भागों में। अगर मान लो कि ये तल है और निर्देशांक ज्यामिति जिस तल पर या जिस बोर्ड पर पढ़ा जाता है उसको हम कहते हैं कार्तीय तल। कौन सा तल कहते हैं, कार्तीय तल। यानी अक्ष जो है ये कार्तीय तल को कितने भागों में बांटा, चार भागों में। कितने भागों में, और उन चार भागों को आप यहां चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है जी, पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये रहा अपना चतुर्थ चतुर्थांश। यानी ये चतुर्थांश कितने भागों में बटा, चार भागों में। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, और ये क्या है, द्वितीय चतुर्थांश, और ये रहा तृतीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश, और ये रहा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। अब देखो, अब सभी चतुर्थांशों का ना एक अपना अलग चिन्ह होता है। यानी पहले प्रथम का अलग चिन्ह होता है, द्वितीय का दूसरा होता है, तृतीय का तीसरा होता है, और चतुर्थ का अलग, मतलब सबका अपना एक अलग अलग चिन्ह होता है। निर्देशांक ज्यामिति में एक बात कॉमन होती है, हम जब भी अगर चलते हैं तो पहले किस अक्ष को चलते हैं, यक्ष अक्ष को, उसके बाद किस अक्ष को चलते हैं, वाई। तुम याद कैसे रखोगे, क्योंकि इसका रूल होता है कि अगर आप ए बी सी डी पढ़ते हैं तो अल्फाबेट क्रम में सबसे पहले क्या आता है, यक्ष, और बाद में क्या आता है, वाई। इसीलिए हम सबसे पहले किसको चलेंगे, यक्ष को, और बाद में किसको चलते हैं, वाई को। यानी अगर पूरे निर्देशांक ज्यामिति में कहीं भी कोई बिंदु दिया है तो बिंदु दो रूपों में देता है, पहले रूप में यक्ष देता है, दूसरे रूप में क्या देता है, वाई रूप में। अब यक्ष अक्ष को इसको हम क्या नाम देते हैं जी, यक्ष अक्ष। ये नाम क्या है इसका, यक्ष अक्ष, और इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। क्या नाम देते हैं इसको, अब यक्ष अक्ष को अगर एक भाषा में और देखा जाए तो ये बना भुज और ये बना हमारा कोट। क्या बना जी, ये भुज बना और ये क्या बना, कोट बना। ये भुज बना और ये क्या बन गया, हमारा कोट। तो अब देखो, अब जब भी अगर हम चलेंगे तो पहले क्या चलेंगे, भुज चलेंगे, उसके बाद क्या चलेंगे, कोट। तो मान लो कि अगर हमें प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह जानना हो, प्रथम चतुर्थांश का क्या जानना हो, चिन्ह जानना हो, तो प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह है हम पहले मान किसका चलेंगे, यक्ष का। तो आप चलिए यक्ष का मान क्या है, प्लस। तो पहले प्लस मिलेगा, फिर किसका मान चलेंगे, वाई का। तो वाई का मान भी क्या मिला, प्लस मिला, मिला। दूसरा मान किसका, अब द्वितीय चतुर्थांश पहले आप क्या चलेंगे, x चलेंगे, तो पहले x चलेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस। फिर y चलेंगे तो y चलेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस। यानी माइनस और प्लस। तीसरे चतुर्थांश में आइए, तो तीसरे चतुर्थांश पहले क्या मिलेगा आपको, पहले चलेंगे तो माइनस, फिर चलेंगे तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या मिलेगा आपको, पहले क्या मिलेगा, प्लस, और दूसरे बात क्या मिलेगा। यानी अगर देखा जाए
तो प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह वो क्या है प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस, चतुर्थ का प्लस माइनस। अगर हम ये देख लें कि मान लो हमारे पास कोई दो बिंदु दिया है और बिंदु में अगर भुज और कोटि दोनों प्लस में है तो हम कहेंगे कि किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। अगर भुज और कोटि दोनों माइनस में है तो किसमें है, तृतीय में। एक माइनस और यानी भुज माइनस में है, कोटि प्लस में है और